सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर और चंबल अंचल में हुआ था, लेकिन इस विरोध के बाद भी सबसे ज्यादा यहीं से युवा अग्निवीर भर्ती रैली में चयनित हुए हैं। अभी तक अग्निवीर भर्ती में चयनित हुए 400 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग शहरों में स्थित सेना के ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना के रहने वाले युवक हैं। दरअसल ग्वालियर और चंबल सहित प्रदेश के 14 जिलों के युवकों के लिए अक्टूबर 2022 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 15 जनवरी को आर्मी पब्लिक स्कूल में लिखित परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 430 अभ्यर्थी चयनित हो गए। 19 फरवरी से इन्हें ट्रेनिंग पर भेजना शुरू कर दिया गया था। शनिवार तक 400 अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले सप्ताह 10 और अतिरिक्त पद ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय को मिल गए हैं और इसलिए वेटिंग लिस्ट में शामिल कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया गया और अभी करीब 30 अभ्यर्थी और ट्रेनिंग सेंटर रवाना होने के लिए रह गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के OTP अटक गए हैं। के माध्यम से कैंडिडेट्स को एक चीज और बताना चाहता हूं कि उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड हो चुकी है। अब इसमें किसी भी प्रकार की शोर सिफारिश या जो ठग हैं, जो टाउट हैं, जो पैसे लेकर भर्ती प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करने की जो बात कहते हैं या कैंडिडेट को करा देने की बात करते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो मेरे कैंडिडेट से अनुरोध है और उनके साथ ही उनके अनुभावकों के यानी उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है।